उन्होंने मतलब अरेस्ट करने के लिए भी बोल दिया हम लोग को। ये हेलमेट किसका? अभी पुलिस वाले से बोल रहे हैं कि इसको जेल भी हो सकती है। बाकी देखो भाई क्या सीन है। मुझे खैर पुलिस स्टेशन जाना है, कल से फोन आए जा रहे हैं, तो फटाफट से मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 9:30 एंड आज तुम्हारा भाई जल्दी उठ गया। एंड कल रात भी भयंकर अच्छे से ना नींद नहीं आई थी। एंड अभी फिलहाल कल रात बारिश वगैरह थी ना, तो उसकी वजह से भयंकर पूरा अंधेरा अंधेरा जैसा ही हो रखा था। तो अभी फिलहाल जो है मौसम काफ़ी सही हो चुका है। एंड भाई आज जो है ना भाई बहुत तगड़ा वाला कांड हो चुका है। एंड वो क्या है वो अभी मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। एंड जो भी भाई पुलिस वाला चक्कर पड़ गया और बहुत भयंकर वाला, तो अभी तो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। अभी मुझे खैर पुलिस स्टेशन जाना है, कल से फोन आए जा रहे हैं, तो फटाफट से मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। वहाँ से आके तुम्हें बताऊंगा कि क्या सीन है। एंड वहाँ पे तो खैर मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत अगर कुछ रिकॉर्ड करने का रहेगा तो मैं करके तुम्हें दिखा दूंगा। तो बाकी भाई जो भी हुआ है सीन जो भी है वो मैं तुम्हें आके बता पाऊंगा। तो फिलहाल पहले फटाफट से चौकी जा रहा हूँ मैं। अभी मैं नहाया भी नहीं है, ऐसे ही जा रहा हूँ मुँह धो के, क्योंकि 10 बजे तक पहुंचने को बोलते हैं, 9:30 हो चुके हैं। तो पहले जाता हूँ मैं चौकी, एंड उसके आके तुम्हें बताता हूँ कि क्या सीन है। सीन जो भी है भाई बहुत तगड़ा है, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, बट जितना भी बनेगा वीडियो 6-7 मिनट का, इसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो बस देखो भाई तुम्हारे भाई की किस्मत तो खराब ही है भयंकर। सो गाइस फिलहाल आ चुके हैं हम लोग मुखानी पे। एंड मैंने अभी ब्लॉग को है ना पीछे से स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि तुम्हें पता है भाई कितना तगड़ा सीन हो चुका है। तो फिलहाल जो है मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना है। उन्होंने मुझे 10 बजे का टाइम बोला था कि 10 बजे तक पहुँच जाइए। एंड मैं अभी घर पर भी कुछ और ही बोल के आया हुआ हूँ भयंकर। एंड उसके बाद जाके एंड भाई फटाफट से जाना है। बाकी मैंने उसको रियाज को भी फ़ोन कर दिया है, वो भी आ रहा है भाई अभी पता नहीं भयंकर। मैंने भाई उसी दिन कह दिया था कि भाई स्टंट मत प्रैक्टिस करो, मत करो, ज़बरदस्ती स्टंट कर दिए और भयंकर पता नहीं किसने देख लिया। और जहाँ तक भाई मुझे पता है ना उस समय स्टंट करते हुए किसी ने नहीं देखा था। एंड बाकी देखो भाई क्या सीन बनता है। अभी वहाँ पर हम जा तो रहे हैं भाई ट्रैफिक सेल में, तो अभी देखो भाई बाकी भयंकर सीन तो बहुत तगड़ा वाला हो चुका है। तो फिलहाल जो है कुछ इस तरह का मौसम है आज, देख सकते हो। बाकी कोई ऐसी वैसी दिक्कत तो है नहीं भाई, नंबर हमारे पास भी पड़े, भयंकर बात करा दूँगा अगर ज़्यादा कोई सीन होगा तो। ऐसा तो कोई सीन होने वाला है नहीं, वो 500-1000 रुपये का चलान काटेंगे जहाँ तक मुझे पता है। बाकी देखते भाई, गाड़ी तो मेरी थी भयंकर, देखो चलान किसके नाम पर पड़ता है। तो चलते हैं अभी फिलहाल। तो भाई उन्होंने बताया कल ही बोल दिया था आने को कल, बट बारिश हो गई, मैं जाने वाला था बट नहीं जा पाया, इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ। एंड बाकी ऐसा वैसा भी कोई सीन नहीं है, इसलिए मैंने घर पर भी कुछ नहीं बोला। अभी घर पर बोलता तो फालतू में टेंशन ले लेते घर वाले, तो इसीलिए मैंने ना अपने अपने तक ही रखी। बाकी एक दो लोगों को पता है तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे भी, क्योंकि भाई इतना बड़ा कोई इशू है नहीं, ये चीज़ ना चलती रहती है। अगर तुम एक राइडर हो एंड तुम अगर कहीं पे कुछ चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हें पुलिस वगैरह ने देख लिया तो भाई थोड़ा बहुत सीन हो जाता है। तो बस इसीलिए कोई दिक्कत की बात ऐसी है नहीं, वैसे अच्छी लोग जा रहा हूँ एकदम। लेकिन भाई फट तो रही है भयंकर, पहली बार जाना पड़ रहा है ऐसे, तो चलते हैं कोई दिक्कत नहीं। खैर अभी तो खैर हम लोग पहुँचने वाले हैं, बस चलते हैं वहाँ जाके बताता हूँ तुम्हें क्या सीन है। एंड बाकी जितना कुछ हुआ वो तुम्हें वीडियो का लास्ट में पता लगेगा, मैं घर पे बैठ के आराम से तुम्हें बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा बट जितना भी होगा तुम्हें मैं सब कुछ बता दूंगा इसमें। तो फिलहाल जो है यहीं से निकलते हैं बाय। आज भाई मैं हाइड्रो को भी लेके आया हूँ, बेलो रानी पे आया हूँ बढ़िया करके। बेलो रानी पे चलते हैं भयंकर, फालतू में उस पर ना सीन हो रखा है, वैसे भी और सीन हो जाएगा, इससे अच्छा मैं इसी पे ही आ गया। तो बाकी वो इस तरफ को बोल रहे थे, यहाँ पे तो एक चौकी है एंड ट्रैफिक सेल वाला जो भवन है बोल रहे थे वो थोड़ा सा आ गई है। तो जो भी अभी चलते हैं। ओहो भयंकर रोड कैसे हैं यार, अभी भयंकर कहीं साफ रोड मिल जाता तो बढ़िया था, वैसे इतना लेट हो चुके हैं। 2 मिनट ATM पे जाना है, एक मिनी स्टेटमेंट निकालना है एंड उसके बाद चलते हैं फटाफट से। एंड भाई साहब मेरे को इतना टेंशन हो रही है भयंकर, रास्ता भूल जा रहा हूँ मैं। तो ये आ चुका है भाई ATM, तो यहाँ से फटाफट मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं उसके बाद चलते हैं। सो फिलहाल का यहाँ से स्टेटमेंट वगैरह तो हमने निकाल लिया, तो अभी आज फिलहाल अब सीधा चौकी की तरफ को जा रहे हैं। एंड यहाँ से ट्रैफिक देख पा रहे हो तुम लोग भयंकर कितना सारा आ रहा है भाई 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 भाई। ओहो भयंकर कैसा रोड है भाई। फिलहाल के हम लोग ट्रैफिक साइड भवन पे पहुंच चुके हैं एंड फिलहाल यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ भयंकर। चलो फिलहाल यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं एक बार, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत सारी आ रही है भाई। ओहो भयंकर। एंड अभी देखते भाई क्या सीन बनता है यहाँ जाके। ये हेलमेट किसका है? ये हेलमेट किसका है? ये तो मेरा ही है। कितने का है ये हेलमेट? 70,000 का। 70 का तो सब कुछ लगा के कैमरा माउंट वाउंट सब लगा के। नहीं अगर ये कैमरा और ये हटा दे माउंट तो इसके ये 5-6 हज़ार का हेलमेट ऑन कर रखा है। ये सर से ऑन हो गया होगा बटन, मैंने नहीं किया, मैंने दबाया था। अभी ये देखो 40 सेकंड हो रहे हैं ना। एक जो ट्रैफिक वाले रहते हैं इनमें कैमरे लगे हुए हैं। कैमरा है नहीं वहाँ पर, लोग ये लोग इससे निकालते नहीं है, कैमरा सही नहीं है ना। फिलहाल जो है अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड हियर इज रियाज सैम। अभी पुलिस वाले से बोल रहे हैं कि इसको जेल भी हो सकती है। बाकी देखो भाई क्या सीन है। पर भाई दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है भयंकर,
देखो भाई क्या सीन बनता है, मेरे को तो एक तो सिर दर्द हो रहा है इतना भाई, तो ध्यान नहीं होगा मेरा। मैंने कहा सोचा था भयंकर ऐसे दिन भी देखने पड़ते हैं इसके चक्कर में भयंकर। चलो कोई बात नहीं, फिर भी अबे हाँ वही है ना। तो वैसे फिलहाल दीपक के पापा गए अंदर बात करने के लिए, हैं हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, कम से कम एक डेढ़ घंटा हो गया भाई। चलान होगा बोल रहे हैं, बाकी देखो देखते भाई कितने का कटता है, बाकी कटेगा तो बोल रहे हैं हम सीओ साहब से मिलके आए थे, बाकी देखो भाई क्या बनता है। तो फिलहाल भाई हम लोग आ चुके हैं घर पे, एंड अब तुम्हें बताता हूँ भाई क्या सीन हुआ था पूरा। तो ये भाई 12 अगस्त की हम लोग 12 तारीख को 12 अगस्त को मतलब मैं, दीपक, आयुष और रियाज हम चार लोग गए हुए थे राइड करने के लिए रॉक ऑन की तरफ को, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने अपनी हाइड्रा जो है हम लोगों ने एक्सचेंज करी हुई थी सबने, तो मेरी हाइड्रा जो थी वो दीपक के पास थी, उसने वहाँ पहुँच के HMT वाले रोड पे, वहाँ पे पब्लिक एरिया नहीं था, वहाँ पे उसने रियाज को पकड़ा दी, ठीक है। तो रियाज ने क्या करा कि उससे एक स्टंट परफॉर्म कर दिया, मतलब वीली जो तुमने देखी थी, तो उसने एक मतलब वीली परफॉर्म कर दी। मतलब उसके बाद हम लोग आए थे, हम एक कैफे में रुके थे, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़े मोमोज वगैरह खाए, तो बाइक बाहर खड़ी कर रखी थी, एंड जस्ट उसके साइड में दो CPU वाले खड़े थे, सिटी पेट्रोलिंग यूनिट जो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, यहाँ पे पुलिस वाले रहते थे, ट्रैफिक पुलिस, वो खड़ी थी वहाँ पे, तो उन्होंने फ़ोटो खींच ली उसकी, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा। उसके बाद वो वीडियो जैसे तैसे करके 10-11 दिन बाद, मतलब आज मतलब 8-9 दिन हो गए इस बात को, एंड वो पुलिस के पास पहुँच गई वीडियो जैसे तैसे करके, ठीक है। तो कल मुझे कॉल आया शाम को 6 बजे, तो उन्होंने मुझे बोला कि हेलो कमलेश पंत जी बात करें, तो मैंने कहा हाँ, तो मेरी गाड़ी ये नाम पे मेरी रजिस्टर्ड है, तो मुझसे उन्होंने पूछा, तो फिर मैंने बताया। हाँ पहले मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, फिर मुझे 10 मिनट बाद रियाज का फ़ोन भी आता है, वो भी सेम चीज़ मुझे कहता है कि मुझे भाई 2 बार कॉल आ चुका है सुबह से। तो बाद में मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी गाड़ी जो है 2971 आपकी गाड़ी है, तो मैंने कहा हाँ मेरी गाड़ी है, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो गाड़ी है इस पर स्टंट परफॉर्म किया है, तो ये जो गाड़ी है आप इसको लेकर थाने आ जाओ 5 बजे शाम को, ये बोला उन्होंने। तो भाई कल बारिश हो गई थी बहुत तेज, नहीं तो मैं शाम को ही जाने वाला था, तो फिलहाल कल तो मैं नहीं गया। तो उन्होंने मुझे कहा था कल सुबह 10 बजे आ जाना, तो मतलब कल उन्होंने बोला था आ जाने को, तो मैं आज सुबह 10 बजे गया वहाँ पे। तो वहाँ जाने के बाद तो भाई जो सीन हुआ है भयंकर, मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, तो बस ऐसा ही कोई सीन हो गया। उन्होंने मतलब अरेस्ट करने के लिए भी बोल दिया हम लोग को, तो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। हम लोग वहाँ पे पहुँचे, रियाज भी पहुँच गया था, हम लोग वहाँ जैसे ही मैं 10 बजे करेक्ट पहुँच गया था वहाँ पे, सब पहुँच गए थे। एंड उसके बाद जब हम लोग पहले सिंपल ट्रैफिक सेल में गए, मतलब वैसे कांस्टेबल वगैरह बैठे हुए, तो उन्होंने बोला कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, फिर उन्होंने ना दीपक के चैनल पे खोल के मुझे वीडियो दिखाई, तो उसका वीडियो वगैरह देखी, तो उसमें मैं तो भाई कहीं पे चला नहीं रहा था, सिर्फ मेरी बाइक थी, रियाज उसे चला रहा था, एंड उसने वीली मारी थी मेरे मना करने के बावजूद भी। तो चलो जो भी है, फिर उन्होंने दिखाई, उन्होंने बोला बाकी, उन्होंने सॉरी वगैरह बोला उन्हें, तो फिर क्योंकि भाई मेरी गलती तो थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सॉरी बोल दिया एक बार को। उसके बाद फिर उन्होंने हमें नीचे का CO साहब से मिलाया, तो वो भी बोल रहे थे कि भाई इस पे तो चलान होगा, ऐसे माफ़ नहीं कर सकते। तो मेरा तो कोई दिक्कत थी नहीं भाई, मेरी तो सिर्फ गाड़ी थी, स्टंट उसने मारे थे तो चलान उसके ऊपर पड़ता। तो फिर मैंने इधर उधर से भाई बहुत जगह पे कॉल करे, SP साहब को करा, SI साहब को करा, तो SI साहब आए, उनके साथ बात करी, तो उन्होंने भी वीडियो देखा और बोल दिया कि भाई ये जो वीडियो है इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई इस वीडियो से, तो भाई बोलते मैं क्या सिफारिश लगाऊं, उन्होंने ये बोल दिया। तो उन्होंने मतलब ये बोला कि चलान कम करवा सकता हूं, गाड़ी सीज होने से बचा दूंगा बस, लेकिन चलान देना पड़ेगा। तो भाई मेरे ऊपर तो कोई चलान नहीं था, एंड मैं नहीं चाह रहा था कि भाई रियाज के ऊपर इतना चलान आ जाए, तो बस वही था। एंड बाकी भाई एक चीज़ तो आयुष बुलेट चला रहा था, एंड उसकी एज नहीं है, अंडर एज है, उसने बुलेट RC दोनों चीज़ चलाई, वो विदाउट हेलमेट, वो भी चीज़ उसमें कवर हो रखी है, ठीक है। बस तुम्हारा भाई था भाई जो उसमें कुछ नहीं चला रहा, तो तुम भी भाई उस वीडियो को एक बार देख सकते हो जाके। फिर उसके बाद गई, जब ये सब हो गया तो हम लोगों को आज कम से कम 3-4 घंटे बैठना पड़ा, जैसे कि मैंने तुम्हें दिखा दिया था। एंड वो जो कैमरा वगैरह था वो भी है ना पुलिस वाले से ऑन हो गया था, मैंने कुछ ऑन नहीं करा था, तो उसी ने ऑन कर दिया, तो थोड़ी बहुत क्लिप मिल गई वहाँ से। तो बस ऐसी था, बाकी काफ़ी देर तक बैठे रहे। बाद में वहाँ पे जो चलान करते ना वो वाले सर थे नहीं, तो उन्होंने कहा था कि चौकी से करवा देता हूँ चलान, तो बगल में चौकी थी वहाँ लेके गए। मेरा तो कोई दिक्कत होती नहीं, बट भाई रियाज फंस जाता है, बस गाड़ी मेरी थी, बाकी रियाज फंस जाता क्योंकि वीली उसने परफॉर्म करी। मेरे को तो वो लोग कुछ बोल भी नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें पता मेरी कोई गलती नहीं है, सिर्फ मेरी बाइक थी, बाकी बस इतनी गलती मेरी। तो बस वो ये रियाज को उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा कुछ बोल रहे थे, फिर मतलब जैसे तैसे करके लास्ट में मतलब केस वेस तो नहीं करा उन्होंने। एंड बाकी पहले तो बोल रहे थे IPC की धारा लगा देते हैं कोई, फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि MV की धारा के तहत कुछ कर देते हैं, मतलब सिंपल चलान कर देते हैं बोला। फिर उसके बाद फिर जैसे तैसे करके वापस से ट्रैफिक सेल में आए, तो उन्होंने कहा था कि अब तुम 4:30 बजे आना, दूसरे वाले सर आएंगे तो मैं चलान कर दूंगा, नहीं तो भाई लोग हम लोग चौकी गए थे ना, तो उन्होंने तो कहा था भाई पहले गाड़ी को जब्त करो, गाड़ी सीज करो, एंड उसके बाद जाके केस करो, ऐसे बोल दिया उन्होंने। यही कुछ ड्रामा हुआ काफ़ी देर तक। एंड उसके बाद सर ने बोला था मुझे 4:30 बजे आ जाना, तो 4:30 बजे फिर वो सर थे नहीं चलान करने वाले, तो फिर वो उन्होंने बुलाया नहीं। मैं भी उन्हें 7-8 बजे कॉल किया था कि मैंने सर आपने
कॉल नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि अभी सर नहीं आए थे, कल आप आ जाना सुबह 10:30-11 बजे के टाइम पे, एंड उस टाइम पे आपका चलान कर देंगे। तो बस यही है, बाकी अभी मैंने एक दो जगह से भाई तुम्हारे भाई ने कोई सोर्स निकाला है, तो कल सुबह जाके शायद हमारा चलान ना हो, लेकिन भाई जहाँ तक मुझे लगता है कि चलान तो वो काटेंगे भाई। वैसे देखा जाए तो 10 से 12 हज़ार स्टंट का ही कटता है, एंड बाकी वो भाई अंडर एज था उसका, सब मिला के मतलब अच्छा खासा 20-21 हज़ार का चलान बनेगा, ठीक है। बाकी जो है मैंने अभी बात तो करी थी, तो वो बोल रहे थे कि कल सुबह एक बार मतलब देख लेंगे, तो अगर कल चलान माफ़ हो जाता है तो फिर तो बढ़िया है, बाकी नहीं होगा तो फिर देखेंगे भाई क्या सीन बनता है। तो फिलहाल इस वीडियो में तो खैर इतना ही था, तुम्हें बता दिया कि आज क्या सीन हुआ, एंड मेरी तबीयत भी ख़राब हो चुकी है, बुखार आ गया है, पूरे बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी है ना शेवर कर रही है बहुत ज़्यादा, तो मतलब तबीयत भी मेरी ख़राब ही है, तो मैं आके सो गया था फिर सीधे। तो फिलहाल जो भी है गाइस आज की वीडियो में तो खैर इतना ही था, बाकी कल क्या हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा भाई, जो भी हुआ ना कांड बहुत तगड़ा वाला हो चुका है, जो भी है बाकी कल देखते हैं कि क्या सीन रहता है। तो फिलहाल इस व्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे, उम्मीद करता हूँ तुम्हें व्लॉग पसंद आएगा, व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को जाके लाइक कर दो एंड चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ। भाई देख रहे हो भयंकर इस व्लॉग में भी हंसी आ रही है भयंकर मुझे, चलो जो भी है कल देखते कल क्या होता है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।